दिल्ली में राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस की बैठक चल रही है। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल है। इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन विस्तार को लेकर जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें थोड़ा फेरबदल करने के बाद अब संगठन विस्तार की लिस्ट फाइनल की जाएगी। राजस्थान में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा राजस्थान को लेकर कांग्रेस आलाकमान की भी पूरी नजर है। माना जा रहा है इसी हफ्ते राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार होना है। ऐसा माना जा रहा है कि अब नई लिस्ट में 100 से ज्यादा पीसीसी सचिव होंगे, जबकि पहले 85 नामों की घोषणा की गई थी। कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर राजस्थान में अपना संगठन और मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि इसी महीने कांग्रेस संगठन का विस्तार करे और चुनाव मैदान में उतर जाए। वहीं पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी नजर संगठन विस्तार के फैसले पर टिकी हुई है, लिहाजा ऐसी टीम बनाने की तैयारी चल रही है जिसे लेकर किसी का कोई विरोध ना हो। माना जा रहा है नई टीम में ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी जो कांग्रेस को जमीन पर और मजबूत कर सके, चुनाव में वोट दिलवा सके और तो और आगे उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार भी बनाया जा सके। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जिस भी नेता को जिम्मेदारी दी जाए वो प्रदेश में चुनाव के लिहाज से जातिगत समीकरण को साधने में माहिर हो, साथ ही उसके नाम को लेकर किसी को एतराज ना हो। माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश संगठन की नई टीम में युवा नेताओं को तरजीह दी जाएगी जो सरकार को रिपीट करवाने में अपना अहम रोल निभा सके। साथ ही महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश है कि कांग्रेस अपनी नई लिस्ट में ऐसे लोगों को शामिल करे जो प्रदेश के हर इलाके और हर वर्ग तक अपनी पहुंच रखते हों। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।